दोस्तों, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सर्च करना चाहते हैं या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स का अलग से आप प्रिंटआउट लेना चाहते हैं सो दैट आप उसे कहीं पर शो कर पाएँ, बट आप ये नहीं चाहते कि आपके पूरे के पूरे स्टेटमेंट का एक प्रिंटआउट किसी के हाथ में चला जाए, फॉर दैट हम यूज़ करेंगे ऑनलाइन SBI की एक सर्विस जो कि काफ़ी यूज़फुल है इन केस अगर आपको सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही किसी को शो करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये सर्विस कौन सी है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का या फिर एक पर्टिकुलर डेट का ट्रांजेक्शन किसी को शो करना हो, फॉर दैट आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और यहाँ आ जाएंगे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी। इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन या फिर कितने भी ट्रांजेक्शन आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। मेरे केस में यहाँ पर मेरे दो अकाउंट हैं, एक है मेरा सेविंग्स अकाउंट और एक है मेरा FD अकाउंट। आप कौन से अकाउंट का ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरा सेविंग अकाउंट और यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा 1 जनवरी से 7 जुलाई की। जैसा कि हम देख सकते हैं डेट रेंज जो है वो 12 महीने या 12 महीने से एक्सीड नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज अमाउंट, आपको कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन देखने हैं। जब से गूगल पे और फ़ोन पे आए हैं सभी के मोबाइल में या फिर सभी के अकाउंट में 10 रुपये 20 रुपये के बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं, जिसके कारण अगर आपको किसी को पर्टिकुलर एक अमाउंट का ट्रांजेक्शन शो करना है उसके लिए आपको मल्टीपल पेजेस ऑफ प्रिंटआउट निकालने पड़ते हैं और सारे के पेजेस को ही हमें वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पर मुझे जनवरी से लेकर जुलाई तक के ट्रांजेक्शन चाहिए, लेकिन सिर्फ वो ट्रांजेक्शन चाहिए जो 10,000 से 20,000 की रेंज में हो। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन मुझे नहीं देखना है जो 10,000 से कम हो या 20,000 से ज़्यादा का हो। तो सिंपली हमने डेट रेंज दे दी, अमाउंट की रेंज दे दी और क्लिक कर लेंगे व्यू। एंड सी, मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं 10 से 20,000 के, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास विजिबल हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं और आप जिन्हें ये शो करना चाहते हैं वो आप इजीली शो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्लिक कर लूँगा रिटर्न टू फाइंड ट्रांजेक्शन पेज। वंस अगेन इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, बट यहाँ पर अब मैं रेंज को चेंज कर लूँगा। डेट सेम रहेगी मेरी 1 जनवरी से 7 जुलाई, बट अब मुझे सारे ट्रांजेक्शन चाहिए जो 500 से 3,000 की रेंज में है। अगेन क्लिक कर लेंगे व्यू। एंड जी, यहाँ पर इतने सारे ट्रांजेक्शन हैं, कुछ जो है वो गूगल पे के भी हैं जो कि 500 से 3,000 की रेंज में आ जाते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रेंज के ट्रांजेक्शन शो करने हैं और कितने अमाउंट के आपको ट्रांजेक्शन शेयर करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और कुछ मीनिंगफुल देखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।